तो क्या गेमर्स, आज मैं देखने वाला हूँ इन दोनों में से कौन सी गेम अच्छी है। सबसे पहले तो रोपीरो देखते हैं। इस गेम में ना आपको बोट भी मिल जाएगी, ये कसिनो के सामने ही खड़ी होती है और ये चल भी मस्त रही है, कैसे पानी को चीरते हुए जा रही है, इसकी स्पीड बहुत सही है। अगर बात करें हम इस गेम की, इस गेम में बोट है या नहीं वो बाद में देखते, पहले देखते ये बोट उड़ भी सकती है। इसका उड़ने का तो कोई बटन नहीं, लेकिन जुगाड़ लगा के ग्रेवी गन से ये उड़ सकती है। इस बोट को आप भी उड़ा सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर हम बात करें इस गेम में कोई भी बोट नहीं, लेकिन इस गेम में डॉग बुला सकते हो। ये आ गया मेरा पेट। अरे ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। नहीं यार पीछे, ये ले। अरे इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा, कौन सी ब्रीड का है ये कुत्ता। तो गेमर्स अभी बात करते हैं रोपीरो की। तो रोपीरो में कुत्ता तुम नहीं बुला सकते, हाँ लेकिन ये आदमी आपके पीछे पड़ जाता है और ये आपको बचाता भी है, गोलियां भी मारता है, लेकिन ये आदमी है। गेमर्स मैंने ना कुत्तों की फौज बुला ली है, ये मेरे पीछे आ रहे, नहीं आओ पीछे मारूंगा। अभी ना मैं इनको जूस पिलाने वाला हूँ। और प्यारे प्यारे कुत्तों मालिक के पीछे आओ, तुम्हें जूस पीना है ना और मछली भी खानी है। तो गेमर्स मैं ना इनको डुबाने वाला हूँ, देखते हैं ये डूब के मरते हैं कि नहीं। पता नहीं कौन सी ब्रीड है, तो ये गायब हो गए, कोई भी नहीं दिख रहा, लगता है ये चले गए। ये क्या है, ये तो पूरा पानी में चले गए थे फिर भी जिंदा। ये कैसे कुत्ते हैं, इन्हें तो कुछ भी नहीं होता। वैसे मुझे अगर कोई मारता है नहीं, ये मुझे बचाते भी नहीं है और इन्हें कुछ होता भी नहीं। गेमर सब पुलिस को देखते हैं। ये रहा पुलिस वाला जा, ये ले 5 खा। ये अब मेरे पीछे पड़ गया, लेकिन ना ये मुझे गोलियां नहीं मारा, डंडा लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वाइस टाउन की पुलिस 1 स्टार पे गोलियां नहीं मारती। अगर इस गेम में आपका 1 स्टार हो जाएगा तो पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी पिस्टल लेकर, और तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम अपने घर नहीं पहुंच जाते। इस गेम की पुलिस कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और इसके अलावा ना इस गेम में ट्रेन भी है। इस ट्रेन को ना मैं अपनी फोन से कंट्रोल कर सकता हूँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड ब्रेक सब कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा सा बस पीछे चली जाए। आप इसको फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं ये ट्रेन मेरे ऊपर चढ़ेगी कि नहीं। शायद नहीं चढ़ेगी, ये इसका मालिक। ये क्या, इसने तो इसको कुचल ही दिया, लेकिन ये क्या ग्लिच हो रहा है, मैं उठ रहा हूँ दोबारा और दोबारा नीचे आ गया। इस ट्रेन ने मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो जिंदा हूँ, मैं दोबारा खड़ा हो गया। क्या आदमी, ऐसे तो ट्रेन से भी कुछ नहीं हुआ। गेमर सब बात करते हैं वाइस टाउन की। वाइस टाउन में ना ट्रेन है, लेकिन मेरी वीडियो में वो वीडियो देख लेना। वैसे वाइस टाउन में ट्रेन की जगह सबवे है, इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं ट्रेन में बैठा, लेकिन आप कहीं भी जा सकते हैं। ये देखो मैं कहां कहां जा सकता हूं, यहां पर ना बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कहीं पर ही चलते हैं। इसको दबा देते हैं। गेमर ये देखो रोपीरो निकल रहा है, ये गया था वहां से और निकला यहां से। इस चीज से ना आप काफी जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हो। आप ना इस ट्रेन के अंदर बैठ नहीं सकते, मैंने काफी ज्यादा कोशिश की, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा जाने का। इसके अंदर तो मैं नहीं बैठ सकता, इसके ऊपर तो बैठ सकता हूँ ना मैं। तो अभी चलते हैं इसके ऊपर बैठने। हेलीकॉप्टर से मैं आ गया इसके ऊपर, अभी मुझे इसको सही जगह पे लैंड करवाना है और बस उतरना है। अबे ये क्या हो गया, मैं सही जगह पे तो उतरा था, ये फिसल कैसे रहा है। मैं बिल्कुल सही जगह पे उतरा था, ये गिर पता नहीं कैसे गया। कोई बात नहीं, तो गेमर्स मैं ना दोबारा हेलीकॉप्टर लेकर आ गया। अभी ना मुझे ना इसको बिल्कुल सही जगह पे लैंड करवाना है, अभी ये गिरना नहीं चाहिए। उतर जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है, ये ट्रेन के ऊपर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा, पता नहीं कैसा ये ग्लिच है। गेमर्स मैंने काफी ज्यादा बार ट्राई किया, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। अगर आपको कोई ट्रिक पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे रोपीरो इसके अंदर गया था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। रोपीरो कहाँ जाता है, मुझे लगा कोई सीक्रेट जगह होगी, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली है। अभी अभी इसके अंदर चलते हैं। अभी मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा, लगता है मैं इसके अंदर भी नहीं जा सकता, ये बार बार गिर रहा है। इसको छोड़ो, इंडियन बाइक्स में इसके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं, लेकिन रोपीरो के पास ना गर्लफ्रेंड है। ये दोनों साथ में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ड्रग डीलर्स गुंडों सबको मारते हैं ये दोनों। और इसे ना रोपीरो कार में भी ले जा सकता है, रोपीरो के तो मजे। लेकिन अभी बात करें इसकी, इसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं, इसको सिर्फ मार मिलती है। ये देखो रोपीरो मूवी देखकर भी आ गया, इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं लेकिन इसके पास फोन है। ये ना इस फोन से कुछ भी मंगवा सकता है जो कि इस गेम में है, लेकिन इसको कोड पता होना चाहिए, इसकी फोन में कोड डलता है। बात करें रोपीरो की, रोपीरो के पास कोई भी फोन नहीं होगा शायद, लेकिन ऐसा फोन नहीं, लेकिन रोपीरो के पास है शॉप, यहाँ से रोपीरो कुछ भी मंगवा सकता है। गेमर्स मैंने ना इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में बहुत सारी बाइक्स मंगवा ली है, पुलिस कार भी मंगवाई है, और हाँ ये घोड़ा भी मंगवाया, इसके ऊपर भी आप राइड कर सकते, ये भी काफी काम की चीज है। इसके ऊपर बैठने में अलग ही मजा आता है, इसकी स्पीड भी ठीक ठाक ही है, और सबसे मजेदार बात ये लोगों को कुचल भी सकता है। ले मैं चढ़ गया तेरे ऊपर, अब कैसे उठेगा। ओ ये क्या कर रहा है, बड़ी ताकत है इसके अंदर, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। वैसे इसके अलावा ये जंप भी मार सकता, लेकिन ये रैंप पर नहीं चढ़ सकता, ये रैंप के लिए नहीं बना है, इसकी स्पीड कम है, ये चलते चलते रुक जाता है, इसके पास इतनी ताकत ही नहीं। रोपीरो के पास तो कोई भी हॉर्स नहीं, हाँ उसके पास गन है। रोपीरो के पास काफी सारे ट्रांसफॉर्मर्स है,
रोपिरो नहीं बैठ सकता घोड़े पे, वैसे ये घोड़ा ना मर भी जाता है। ये देखो इसको मैंने काफी ज्यादा गोलियां मारी है, अब ये मरेगा, नजर भी आ रही है, बस इसका काम होने वाला है। ओ ये बेचारा गिर गया, ये मेरा प्यारा घोड़ा नहीं था, बेचारे ने मुझे घुमाया, इसको लग रहा था मैं इसको कुछ खिलाऊंगा, मैंने इसे गोलियां खिला दी। लाइक कर दो, वैसे फाइव स्टार, अगर आपके 3 स्टार हो जाते ना फिर पुलिस फुल आपके पीछे पड़ जाती है, गोलियां भी मारती है, और ये इनका हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, और इसके अलावा ये रोबोटिक मक्खियां कुछ भी कहो ये भी आ जाती है, ये भी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। 3 स्टार पर ये फुल लग जाते हैं आपको खत्म करने के लिए। लेकिन बात करें इस गेम की, इस गेम में 3 स्टार पर सिर्फ पुलिस ही आती है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी हेलीकॉप्टर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ पुलिस की कार ही आएगी आपके पीछे, और ये भी आपको मार कर ही छोड़ेंगे। वैसे वेस्टर्न में 5 स्टार्स पर पुलिस ना इस कार को भी बुला लेती है, लेकिन ये कोई आम कार नहीं, ये रोबोट, देखा ऐसे रोबोट बन गया, ये भी ना मेरे पीछे पड़ जाएगा, इसे भी मुझे मारना है। इसके अलावा सबसे खतरनाक ये टैंक, ये देखने में खतरनाक नहीं लगता लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसने एक ही गोले में रोपिरो की पूरी हेल्थ ले ली और पहुंचा दिया रोपिरो को हॉस्पिटल में, इसलिए तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसका एक ही गोला काफी है रोपिरो के लिए। वैसे 5 स्टार पुलिस इसमें नहीं आती, मैं बात कर रहा था पहले इसके फोन की, इसके फोन से ना आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। ये देखो मैंने कितनी सारी कार्स मंगवाई हैं, मैं कोई भी कार चला सकता हूं। मुझे कोड डालने में ज्यादा मजा आ रहा है। रोपिरो की शॉप थोड़ी बोरिंग लगती है, यहाँ पर आप अपने दिमाग से कोई कोड डालते और कोई व्हीकल आ जाती है तो मजा ही आ जाता है। रोपिरो में ऐसा कुछ नहीं होता, क्या टॉप नॉच कार से इसमें, इसकी कार कुछ कम नहीं, लैम्बोर्गिनी से लेकर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन रोपिरो में आपको ऐसी कार्स नहीं मिलती, इस गेम में शॉप में सिर्फ एक ही कार है जो कि है ये रोस्टर, ये भी कुछ कम नहीं, ये भी बहुत ही ज्यादा तेज भागती है, इसके अलावा ये लैंडमाइन भी छोड़ती है। अब देखना इस पुलिस वाले का क्या होगा। आजा आजा यहाँ पर आजा, बस ये थोड़ा आगे आ जाए यहाँ पर, ये देखो गेमर ये कैसे फटा, इस कार में नहीं यही चीज एक अलग है, ये लैंडमाइन भी छोड़ती है। इस कार के अलावा रोड पर आपको बहुत सारी कार्स मिल जाएंगी, लेकिन शॉप की बात करें तो उसमें एक ही है ये रोस्टर। इस कार के अलावा शॉप में ये मॉन्स्टर ट्रक भी है, इसको चलाने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, ये भी बहुत बढ़िया व्हीकल है। रोपिरो के शॉप में आपको अलग अलग व्हीकल्स नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है ऐसी व्हीकल आपको वाइल्डस्टोन में कहीं नहीं मिलती। हाँ रोस्टर मिल जाती है लेकिन आप उसे चला नहीं सकते। इस गेम में ना ये मेरी फेवरेट व्हीकल है, क्या खतरनाक लग रही है, कैसे आग निकल रही है इसमें से, ग्रेट बाइक है। अब देखना अब क्या होगा। ओ गेमर्स ये देखो ये कितनी ज्यादा ऊपर चली गई, मस्त लग रही थी ये ऊपर। अगर हम बात करें वाइस्टान में भी ऐसी बाइक नहीं है, हाँ है लेकिन ऐसी नहीं है, फर्स्ट राइडर वाली लगती है, इसमें से कोई आग पानी कुछ नहीं निकलता, नॉर्मल बाइक की तरह ये चलती है। गेमर व्हीकल्स तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, वाइस्टान में कम व्हीकल है लेकिन सारी काम की व्हीकल्स हैं, सबकी अपनी अपनी बात है। आप कमेंट करके बताओ इन दोनों में से कौन जीता व्हीकल्स में। इसके अलावा आप रोपिरो में जेल भी जा सकते हो। ये देखो ये पुलिस वाला आ गया मुझे अरेस्ट करने, लो इसने कर लिया मुझे बस्टेड, अब ये डालेगा जेल में, इसने डाल भी दिया। लेकिन ये आपको थोड़ा टाइम देते हैं, ऐसे दो निकलो, अगर नहीं दोगे तो खुद ही आपके जितने पैसे होंगे उनमें से कुछ पैसे कम हो जाएंगे और आप निकल जाओगे। अगर पैसे नहीं देना चाहते तो आप जेल भी तोड़ सकते हो वाइस्टान में, और जेल तोड़ने में मजा ही अलग आता है। इस गेम में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती, सिर्फ आपको मारती है, जब तक ये आपको आपके घर न पहुंचा दे। इंडियन बाइक्स में कोई भी जेल नहीं। इसके अलावा हम बात करें मिशंस की, तो मिशंस वाइस्टान में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आर्टिका के साथ, ग्रेविगन, पैराशूट मिशन, इसके अलावा टिप्सन से भी आप मिशन ले सकते हो। लेकिन इस गेम में कोई भी मिशन नहीं, ये तो अभी तक कोई नहीं मिला। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। गेम में थोड़े बहुत तो मिशन होने चाहिए, कार वार चोरी करे। इसके अलावा वाइस्टान में आपको बहुत सारे विलेज मिल जाएंगे, कार रोबोट, ये पुलिस वाला रोबोट, इसके अलावा भी बहुत सारे पुलिस वालों के। आप एरिना में ज़ॉम्बी से भी लड़ सकते हो, इस मोटे ज़ॉम्बी से भी और इस रोबोट से भी। वाइस्टान में आपको बहुत सारे विलेन मिल जाएंगे लेकिन इस गेम में आपको एक भी विलेन नहीं मिलेगा, सिवाय इन कमजोर लोगों के, ये आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 2-3 मुक्कों में ये खत्म हो जाते हैं। हाँ पुलिस थोड़ी खतरनाक है, इसके अलावा कोई भी नहीं जो आपको मार सके। इसके अलावा वाइस्टान में आपको गन्स भी बहुत सारी मिलेगी, ग्रेवी गन, स्नो थ्रोअर, ये नचाने वाली गन, इससे कोई भी डांस कर सकता है। वाइस्टान में बहुत सारी गन्स है लेकिन इंडियन बाइक 3D में इतनी ज्यादा गन्स नहीं, लेकिन जितनी भी है काम की गन से। यहाँ पर आपको ये स्कोप वाली भी मिलेगी, इसके अलावा RPG भी मिलेगा और ये पिस्टल तो है ही। इस गेम में जितनी भी गन से सारी काम की है, और इसमें आपको ये
स्टिकी बम भी मिल जाता है। इसके मैंने स्टिकी बम चिपका दिया है, इतनी आराम से जा रहा है। अब ये ऊपर जाएगा, उड़ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस गेम में जितनी भी गन्स है काम की गन्स है। इसके अलावा इस गेम में एयरपोर्ट भी है, यहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन ये एरोप्लेन नहीं चला सकते। इसे चलाने की मैंने काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन मैं इसे नहीं चला सकता। हम इसे नहीं चला सकता लेकिन एयरक्राफ्ट ले सकता और इसे चला भी सकता। वैसे एयरक्राफ्ट तो वाइस्टान में भी है और इसे ना आप गोलियां भी चला सकते हो, किट्स भी मार सकते हो, लेकिन आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो वाइस्टान में एयरपोर्ट तो नहीं लेकिन एयरक्राफ्ट है। वैसे वाइस्टान में ट्रांसफॉर्मर्स की कमी नहीं, इसमें आपको ताकतवर म्यूटेंट, उड़ने वाला सुपर हीरो, बाइक ट्रांसफॉर्मर, ट्रक और ये पैंथर, मोस्ट सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आप। लेकिन इस गेम में कोई भी ट्रांसफॉर्मर नहीं। इसके अलावा ना गेमर्स काफी सारी चीजें इस गेम में नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस गेम में आपको ये रैंप भी मिल जाएंगे। इनका तो अलग ही मजा है, ये काफी ज्यादा बड़े रैंप्स हैं। इन पर अपनी फेवरेट व्हीकल्स भी चला सकते हो। ये रैंप्स में तो मुझे अलग ही मजा आया। वाइस्टार में आपको ये छोटे से रैंप ही मिलेंगे, इनमें ज्यादा कुछ मजा ही नहीं। इंडियन बाइक्स में ये बड़े बड़े रैंप्स हैं, रोपिरो में मजे वाले इतने रैंप ही नहीं है। गेमर्स दोनों गेम्स में ना काफी ज्यादा चीजें एक एक करके सब आपको नहीं बता सकता, 3-4 घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ी बहुत चीजें बता दी, आप दोनों गेम्स को खेल सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी बेस्ट है। तो इन दोनों में से बेस्ट है, लेकिन उससे पहले आज का शॉर्ट आउट जाता है स्ट्रीम पाठक ब्रो गेमिंग और लाइफ गेम। अगर आपका भी शॉर्ट आउट चाहिए तो कमेंट करो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी गेम बेस्ट है। तो दोनों गेम्स ना अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। अगर आपको व्हीकल्स चलानी है, ड्राइविंग करनी है, तो इंडियन बाइक 3D खेलो, उसमें काफी ज्यादा व्हीकल्स मिल जाएंगी, रैंप्स वैम्प सब कुछ मिल जाएगा और बहुत बड़ा खाली रोड भी है, मजे से आपको अपनी फेवरेट व्हीकल चला सकते हो। अगर आपको मिशंस वगैरह करने तो रोपिरो गेम खेलो, दोनों गेम्स ही अपनी अपनी जगह पर यूनिक है। वैसे भी रोपिरो का आए हुए पूरे साल हो चुके हैं, ये गेम पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। इस गेम में भी काफी ज्यादा ग्लिच थे पहले, लेकिन अभी ये काफी ज्यादा सही गेम है। और बात करें इस गेम की, इसे अभी आए हुए सिर्फ पूरे 3 साल ही मुश्किल से हुए और मैं देख रहा हूँ इस गेम के काफी ज्यादा अपडेट्स भी आ रहे हैं। ये गेम आस्ता आस्ता और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, कुछ सालों की देरी है इस गेम में भी शायद मिशंस आ जाएंगे, या ये गेम सिर्फ व्हीकल्स पे ही फोकस करेगा तो डेवलपर्स की मर्जी है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी बेस्ट है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताओ आपको कौन सी बेस्ट लगी। मेरे लिए बेस्ट गेम है सर्वे सर्फ।